बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अमल नकवी। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड यूनिट डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो आस्क किया गया है वो ये है कि अरेंज द फॉलोइंग फंक्शन एक्सप्लिसिटली टू परफॉर्म डी वाई बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, हमारे पास इससे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन में हम इस तरह करते थे कि हमारे पास वाई की वेरियन होती थी, कुछ भी वाई का हमारे पास फंक्शन होता था जिसको हम डेरीवेट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अब हमारे पास एक्सप्लिसिट में क्या होगा कि हमारे पास वाई की कोई इक्वेशन दी जाएगी, पहले हम उसको जो है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वाई की इक्वेशन गिवन है इसी में से हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करके एक्स की इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, और फिर एक्स का हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हमारे पास जो एक्सप्लिसिट होगा इसमें हमारे पास इसके दो पार्ट्स आ जाएंगे, जबकि इम्प्लिसिट में हमारे पास सिंपल हमने उसको डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसीलिए हम कहते हैं कि इम्प्लिसिटी में हम क्या करते हैं, इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई बोथ जो है उसको फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, कि वही जो हमारे पास y का फंक्शन होगा उसको हम अरेंज करके फिर x की फॉर्म में लाएंगे। हम क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पार्ट ए है हमारे पास, एक्स स्क्वायर y क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 12, ये है। ठीक है, पहले ये हमारे पास क्या है, इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म है। ठीक है, सॉरी, इम्प्लिसिट फॉर्म है। ये क्या है हमारे पास, इम्प्लिसिट फॉर्म है इसकी। पहले मैं इसको लेके सॉल्व करती हूँ, फिर मैं इसी क्वेश्चन को अरेंज करूंगी इन टर्म ऑफ x की वैल्यू, x की इक्वेशन बनाऊंगी, y की इक्वेशन बनाऊंगी और उसको मैं सॉल्व करूंगी। ये किस तरह है, देखें, डेरिवेट करते हैं हम डी वाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, फर्स्ट वैल्यू उसका अलादा से, यहाँ पे डी वाई डी एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 12, कॉन्स्टेंट का भी डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये है हमारे पास यहाँ पे, ये जस्ट हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस y, ये सॉरी स्क्वायर है, ये y क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y स्क्वायर इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3x स्क्वायर y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया, प्लस ये आ जाएगा 2xy क्यूब प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब जिन जिन वैल्यूज में हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है उनको हम कॉमन लेंगे, तो किस तरीके से हमारे पास हो जाएगा, मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ से इरेज करती हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है विथ में ज़्यादा है। तो हमारे पास नंबर है, हम इसको करते हैं, देखें, 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, ये करें तो इसमें dy वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और दूसरी वैल्यू को हम इक्वल टू के बाद ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस 2xy क्यूब, ये हमारे पास आ गया। अब हम सिंपल इसको जो है सॉल्व करके इसका आंसर ले आते हैं। यहाँ पे अगर मजीद में देखूं तो 3y स्क्वायर भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 2xy क्यूब, ये आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स विल बी माइनस 2xy क्यूब होल डिवाइडेड बाई, जो मल्टीप्लाई हो रही है इस वैल्यू को मैं यहाँ ले आती हूँ, 3y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे y स्क्वायर इस दो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक y रह जाएगा, तो हमारे पास dy वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2xy हमारे पास रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हुआ है, नीचे हमारे पास 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये था हमारे पास इम्प्लिसिट था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने इसको इम्प्लिसिट की मदद से सॉल्व किया है। अब हम एक्सप्लिसिट के लिए करेंगे, इस इक्वेशन को हम इन टर्म ऑफ एक्स लेके आएंगे, तो वो हमारे पास किस तरीके से हो जाएगी, एक्सप्लिसिट फॉर्म बनाते हैं इसकी, तो वो हमारे पास आ जाएगी। देखें, यहाँ से हमारे पास गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 12 है, y क्यूब को मैं कॉमन लेती हूँ, इन टर्म ऑफ x हमने y की इक्वेशन बनानी है। ठीक है,
यहाँ से y क्यूब को कॉमन लूंगी तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, y क्यूब इज इक्वल टू 12 बाय x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और y इज इक्वल टू 12, हम अगर क्यूब 1/3 की पावर को दोनों साइड पे लाएं तो ये हमारे पास देखिए क्यूब था 1/3, यहाँ भी आएगा, जो हमारे पास इक्वेशन के एक साइड पे काम होगा वो सेकंड साइड पे भी होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास y की इक्वेशन क्या बन जाएगी। ये तो फर्स्ट आंसर है, इसको मैं साइड पे ही रखती हूँ। ये हमारे पास क्या था, इम्प्लिसिट फॉर्म का आंसर था, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट में पहले हम इम्प्लिसिट के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं और फिर उसका अपना एक्सप्लिसिट के थ्रू। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 12 होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 का होल 1/3, ये हमारे पास आ गया। अब हमने देखिए इन टर्म ऑफ x y की इक्वेशन बना ली है, अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो जब हमारे पास ये डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट के थ्रू जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, देखें dy वाई बाय डी एक्स हम करते हैं इज इक्वल टू 12 की पावर 1/3 है, इसको हम कॉन्स्टेंट को साइड पे ले आते हैं और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, देखें 1/x³+1 की पावर 1/3, इस तरीके से ये हमारे पास 12 को अगर हम 4 3 12, इसको फिलहाल मैं इसी तरह रहने देती हूँ 1/3, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर इसको ऊपर लेके आना चाहूँ तो ये हमारे पास इसकी पावर जो है माइनस में आ जाएगी, ठीक है, इसको मैं इसी तरह कर लेती हूँ। अब डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए dy by dx क्या होगा, ये जस्ट y था, ठीक है, dy by dx नहीं था, y को मैंने थोड़ा अरेंज कर दिया। अब dy by dx क्या होगा, देखिए 12 की पावर 1/3 को बाहर ले आए, ये dy dx इज इंटू x³+y की पावर -1/3। अब इसको हमने सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आई थी, एक्सप्लिसिट फॉर्म आ गई थी, एक्सप्लिसिट फॉर्म थी, ठीक है, और ये हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म थी। अब ये हमारे पास dy by dx क्या हो जाएगा, 12 की पावर 1/3, ठीक है, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, पावर फर्स्ट पे पावर में से 1 माइनस इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 की पावर 1/3 माइनस 1/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर, यहाँ से ये इसको सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम के थ्रू तो ये आ जाएगा -3 इंटू डेरिवेटिव आप 3x स्क्वायर इसका आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट का 0, ये आ जाएगा 12 की पावर 1/3 इंटू -1/3, ठीक है, यहाँ पे x³+1 की पावर ये आ जाएगा -4/3 इंटू 3x स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, रह क्या जाएगा हमारे पास 12 की पावर 1/3 इंटू x³+1 की पावर -4/3 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये हमारे पास माइनस जो था ये हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको और सॉल्व कर देती हूँ, सॉल्व नहीं कह सकते बल्कि अरेंज कर देती हूँ अब लास्ट आंसर को। तो ये कैसे हम इसको लिख सकते हैं, देखें -12 की पावर 1/3, हम कैलकुलेटर की मदद से अगर करना चाहें तो 12 की पावर 1/3 को हम सॉल्व कर सकते हैं इंटू एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x³+1 की पावर -4/3 है हमारे पास, ठीक है, -4/3, सॉरी ये अब प्लस हो जाएगी, नीचे आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एक्सप्लिसिट के थ्रू हमने सॉल्व किया है। एक्सप्लिसिटी का मतलब ये है कि हमने पहले उसको जैसे हमारे पास गिवन है उसको इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई बोथ सॉल्व करना है एक्सप्लिसिट फॉर्म बना के, सॉरी इम्प्लिसिट फॉर्म बना के, और फिर हमने उसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म बना के उसको इन टर्म ऑफ एक्स फाइंड करना है, उसका डेरिवेटिव, ठीक है। ये हमारे पास था पार्ट ए, अब हम इसका पार्ट बी करते हैं।
थोड़ा सा ये है कि पजल करने वाला है आपको, लेकिन आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आपको इजी लगेगा। देखें हमारे पास क्या है, एक्स वाई बी पार्ट है, एक्स वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास। देखें अब इसको मैं किस तरह करती हूँ, हमारे पास एक्स वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो गिवन है वो हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट फॉर्म है, ये है हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म। इसी की मैं यहाँ पे ही एक्सप्लिसिट फॉर्म पहले बना लेती हूँ। एक्सप्लिसिट फॉर्म बनाने के लिए वाई कॉमन लेंगे, तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों का सिंपल डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। ये तो फर्स्ट का जब मैं डेरिवेटिव फाइंड करूंगी तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, हमारे पास किस तरह से होगा, देखें डी बाय डी दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेते हैं, डी वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स इज इक्वल इन टू एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट। मैं यहाँ पे इसी को करती हूँ, यहाँ पे मैं इसको करती हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये टू वाई हमारे पास टू कांस्टेंट बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे जस्ट वाई आ जाएगा, प्लस ये टू डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू टू एक्स। इसको अरेंज करते हैं, देखें डी वाई बाय डी एक्स को हम कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस टू इंटू डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे हम वाई को दूसरी साइड ले जाएंगे, टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें एक्स प्लस वाई था, डी वाई बाय डी एक्स हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू ये आ जाएगा टू एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू, तो ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट का आंसर। ठीक है, हमने डेरिवेट इसको कर लिया है इम्प्लिसिट की मदद से, अब हम एक्सप्लिसिट की मदद से करेंगे, जो हमने इक्वेशन ऑलरेडी बना ली है, जस्ट हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका जस्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रेस कर देती हूँ, ये हमारे पास इम्प्लिसिट है, ये हमारे पास एक्सप्लिसिट है। अब हमारे पास देखें वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन हमारे पास गिवन है, डेरिवेट करते हैं डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स प्लस वन, ठीक है, ये आ गया, तो डी वाई बाय डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, लोअर वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास एक्स प्लस, यहाँ पे ये टू है, ठीक है, स्क्वायर लोअर का स्क्वायर लोअर वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ अपर वैल्यू माइनस अपर वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ लोअर वैल्यू। यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हुई होगी कि जब हम लोग इम्प्लिसिट की मदद से करते हैं तो हमारे पास एज इट इज जैसी इक्वेशन दी गई है हम लोग वैसे वैसे डेरिवेटिव लगाते हैं, तो खुद ब खुद हमारे पास वैल्यू के अंदर कहीं ना कहीं डी वाई बाई डी एक्स आता है, हम उसको इलादा करने करके तो उसका आंसर ले आते हैं। और एक्सप्लिसिट में हमारे पास क्या होता है कि हम इक्वेशन को इस तरीके से बना देते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में ही डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है, ठीक है, हमें अंदर से उसको कॉमन लेना नहीं पड़ता, फाइंड नहीं करना पड़ता। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये जो एक्सप्लिसिट है ये हमारे पास टर्म ऑफ एक्स एंड वाई बोथ हो जाता है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये वन आ जाएगा होल डिवाइड बाय एक्स प्लस टू का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करते हैं, टू एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स करेंगे, एक एक्स को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस प्लस फोर एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू एक्स को कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस फोर होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया जो हमने एक्सप्लिसिटी के थ्रू फाइंड कर लिया। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट ए एंड बी, इसके बाद दो पार्ट रहते हैं जो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।